गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फेसबुक कंप्यूटर लाइव ट्रेनिंग क्लासेस में और हमारे यूट्यूब कंप्यूटर क्लासेस के सांसर कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं ऑनलाइन आपके बीच पूरे लॉकडाउन में उपस्थित रहा और डेली बेसिस पे क्लासेस आप सभी के बीच लेते आ रहा हूँ। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ क्या है आप सभी को बता देना है कि हम लोग इससे पहले मल्टी लेजर्स पढ़ते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सिंगल लेजर्स में। सिंगल लेजर्स में जो पढ़ेंगे सबसे पहला कि कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, साथ ही साथ कम्युनिकेशन के साथ साथ पढ़ेंगे लेजर्स कैसे बनाएंगे और लेजर्स की एंट्री यानी कि भाउचर एंट्री कैसे करेंगे। ये कम्प्लीट ट्यूटोरियल जो आज की वीडियो क्लासेस में होगी। तो अगर आपकी क्लासेस यहाँ पे कोई बाय द वे दिक्कत होगी तो यूट्यूब में हमारी अपलोड होगी, इसमें भी देख के आप क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करें, टेली को ऑन कर लेते हैं आप लोग। जैसे ही आप लोग टेली को ऑन करते हैं तो एक टेली स्क्रीन खुलती है आपके बीच। क्या खुलती है? टेली का स्क्रीन। और टेली स्क्रीन खुलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वर्क इन एजुकेशन मोड, है ना। ये मेन स्क्रीन होता है, ये जो गेटवे ऑफ टेली का जो स्क्रीन होता है वो मेन स्क्रीन होता है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो कंपनी बनी होती है वो कंपनी को हम लोग क्या कर रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? बंद कर दे रहे हैं। बंद करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपनी को हम लोग बनाएंगे। तो कंपनी जो हम क्रिएट करने वाले हैं वो कंपनी का हम लोग नाम यहाँ पे एंट्री देंगे। तो सिंगल लेजर, क्या सिंगल लेजर नाम दे चुके हैं, ठीक है। ये हम शॉर्टकट थोड़ा निकल रहे हैं, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं हम लोग, शॉर्टकट निकल रहे हैं। कंपनी हमारी बन गई। जब हम कंपनी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एस्केप की दबाते हैं। एस्केप की से हम लोग क्या करते हैं, ये गेटवे ऑफ टेली में हम लोग को आना होता है। कहाँ पे आना पड़ता है, गेटवे ऑफ टेली में आना पड़ता है। कहाँ पे आना पड़ता है बाबू, गेटवे ऑफ टेली में आना पड़ता है, राइट। अब जब देखिए गेटवे ऑफ टेली में जब आ गए तो हम लोग को काम क्या है, जब हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं तो हम लोग लेजर्स बनाएंगे। तो लेजर्स जो बनाएंगे अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर जो है हम लोग क्या करते हैं, लेजर्स बनाते हैं। लेजर्स कहाँ पे बनाएंगे, अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर लेजर्स, और लेजर के अंदर क्या बनाएंगे, सिंगल लेजर्स। क्या बनाएंगे हम, सिंगल लेजर्स। सिंगल लेजर्स पे क्लिक करते हैं। जब सिंगल लेजर्स पे आप क्लिक करेंगे तो लेजर क्रिएशन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा आपको। सबसे पहला चीज की हमने लिखाया था कि कैपिटल, मिस्टर एक्स डूइंग ए बिजनेस विद ए कैपिटल RS 1 लाख रुपीज, 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो इसकी लेजर्स क्या होगी, कैपिटल। क्या होगी, कैपिटल। और अंडर अकाउंट्स क्या होगा, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स होगा। आप इसको एक्सेप्ट कर लो यहाँ पे, और कुछ चेंज नहीं करना है अभी। क्या करना नहीं है, चेंज नहीं करना, एक्सेप्ट कर लिए। एक लेजर मेरी बन गई। अब दूसरा लेजर क्या था, परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर। ये किसके अंदर आएगी, फिक्स एसेट्स के अंदर आएगी। इसको भी हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या किए, परचेज किए। परचेज क्या किए, बाइक किए। तो हम परचेज कर रहे हैं, परचेज बाइक। ये किसके अंदर आएगी, परचेज अकाउंट्स के अंदर आएगी। तो परचेज अकाउंट के अंदर हम लोग क्या किया, ला के एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, पैकिंग चार्ज। तो हम लोग क्या करेंगे, पैकिंग चार्ज। ये जो पैकिंग चार्ज होगा वो क्या इसके अंदर आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा। वेरी गुड, किसके अंदर आना चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। वेरी गुड, डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने दे दिया यहाँ पे, एक्सेप्ट कर लिया देने के बाद। अब पैकिंग चार्ज जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद क्या करेंगे, सेल्स करेंगे। तो सेल्स क्या करेंगे, बाइक। और इसकी एंट्री कहाँ पे होगी, सेल्स अकाउंट्स के अंदर होगी, सेल्स अकाउंट्स के अंदर। जब हम एक्सेप्ट कर देते हैं, हमारी जब लेजर्स बन जाती है तो हम लोग एस्केप करके कहाँ पे आते हैं, सिंगल लेजर में। अब मेरी लेजर्स बनी है या नहीं बनी है उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हमने क्या बनाया, कैपिटल बनाया, पैकिंग चार्ज बनाया, परचेज बाइक, परचेज फर्नीचर और सेल्स बाइक, यही बनाया। अब देखिए, हम उस दिन बताए थे कि जैसे ही आप लेजर्स बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, कंपनी जैसे बनाते हैं उस समय हम लोग का कैश इन हैंड जो है ऑटोमेटिक बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए कैश इन हैंड बन गया है, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है ऑटोमेटिक। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टेली में आ गए। जब गेटवे ऑफ टेली पे जब आप आ जाते हैं तो ये जो देखिए राइट साइड में जो देख रहे हैं ना,
इसी को हम लोग बोलते हैं बटन बार। क्या बोलते हैं हम लोग? बटन बार, बटन बार बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? बटन बार बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? बटन बार। अब हमको यहाँ पे क्या करना है? वाउचर्स एंट्री करना है। क्या करना है बाबू? वाउचर्स की एंट्री करनी है। तो वाउचर्स की एंट्री हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमने कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट किया। क्या किया? पैसा इन्वेस्टमेंट किया, तो वाउचर्स बनाना है। तो वाउचर्स करने के लिए यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ अकाउंटिंग वाउचर्स, लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे? अकाउंटिंग वाउचर्स में आएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? जैसे ही हम लोग अकाउंटिंग वाउचर्स में हम लोग क्लिक करते हैं तो आपको राइट साइड में, राइट साइड में वाउचर्स एंट्री हो जा रहा है। क्या हो रहा है? राइट साइड में वाउचर्स एंट्री खुल जा रहा है। देख लो, खुल रहा है यहाँ पे। हाँ, जो मैंने लिखाया कंट्रा पेमेंट रिसीव जनरल सेल्स परचेज है ना। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पैसा मैंने लिया। क्या लिया? पैसा लिया। तो इसकी एंट्री कहां पे होगी? F6 में। तो यहां से हम लोग क्या करना है? F6 यानी कि F6 का मतलब रिसिप्ट। जब आप रिसिप्ट करेंगे तो यहां पे आपको रिसिप्ट एंट्री दिखाई दे, देख रहे हो रिसिप्ट एंट्री। तो रिसिप्ट एंट्री के अंदर ही क्लिक करना है। ये जो पैसा आपने लिया वो किस में लिया? कैश में। तो यहाँ पे ऊपर में अकाउंट्स में कैश देना है। क्या देना है? कैश देना है। और नीचे में क्या लिए है? कैपिटल लिए है। जो ये कैपिटल लिए है कितना लिए है? यहाँ पे अमाउंट डालना है। कितना पैसा लिए थे हम लोग? 1,00,000 रुपया लिए। यहाँ पे 1,00,000 रुपया हमने डाल दिया। उसके बाद क्या किया? हम इसको एक्सेप्ट कर लिए। हमारी एक एंट्री बन गई। किसकी बनी? कैपिटल की। अब हमारी दूसरी एंट्री क्या है? परचेस फर्नीचर्स की है। तो फर्नीचर्स जो किए वो क्या होगा? फिक्स एसेट्स होगा। फिक्स एसेट्स की एंट्री कहाँ पे होगी? पेमेंट एंट्री में। तो हम लोग पेमेंट में क्लिक करेंगे। जैसे पेमेंट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे पेमेंट एंट्री दिखाएगा। तो पेमेंट जो किए किस में किए आप? कैश में किए। तो यहाँ पे कैश देना है और यहाँ पे क्या देना है? परचेस फर्नीचर्स। और कितना किए थे? 10,000। आप अमाउंट इसको एक्सेप्ट कर दो। एक्सेप्ट कर लिए, मेरी दो एंट्री कंप्लीट हो गई। किसकी हो गई? एक तो पैसा ले लिए और फर्नीचर्स भी खरीदे। आप तीसरी एंट्री किसकी है? परचेस की। तो परचेस के लिए कौन सा बटन दबाएंगे? F9। F9 परचेज में क्लिक किए तो ये वाली एंट्री होगी। देखिए ये वाली एंट्री खोलेगी। यहाँ पे थोड़ा दिखना है, यहाँ पे हम लोग परचेज एंट्री में सप्लायर इनवॉइस नंबर को छोड़ देंगे, डेट को छोड़ देंगे, क्योंकि अभी हमको इनवॉइस नंबर और डेट नहीं पढ़ाना, आगे चल के पढ़ाएंगे जब हम बिल बनाएंगे किसी का। अभी हम लोग क्या करना? पार्टी अकाउंट्स। पार्टी अकाउंट्स में जो हम परचेज किए हैं, पार्टी से जो सामान लिए उस किस में दिए? कैश में। तो यहाँ पे कैश ही देंगे। क्या देंगे? कैश। और ये एंट्री को यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे खाली, यहाँ पे कुछ छेड़खानी नहीं करना है। दूसरा परचेज लेजर। परचेज क्या किए थे? बाइक किए हैं, तो बाइक आ जाएगा। अब यहाँ वाले एंट्री में कुछ नहीं करना है, अब सेकेंड वाले एंट्री में करना है। क्या करना है? बाइक परचेज, राइट। अब इसका अमाउंट, अमाउंट कितना देना है? किसमें करना है? सेकेंड एंट्री में। ये जो रो है, पहला जो रो होता है उसमें नहीं करना है आपको। क्या नहीं करना है? पहला रो में आपको नहीं करना है, इस वाले में नहीं करना है, सेकेंड वाले में करना है। परचेस बाइक। और ये बाइक जो अमाउंट की कितना में कर देते हैं? 75,000 की आप एंट्री कर दीजिए। कर दिए, हम परचेज भी कर लिए। पैकिंग चार्ज भी आप नहीं किए हैं। आप क्या करेंगे? पैकिंग चार्ज। ये पैकिंग चार्ज की जो एंट्री होगी किसमें होगी? F5 में होगी। तो हम यहाँ से F5 में पेमेंट कर लिए, पेमेंट एंट्री खुल जाएगी। पेमेंट जो किए किसमें किए? कैश में किए हैं। क्या किए हैं? तो पैकिंग चार्ज किए हैं। यहाँ से आप पैकिंग चार्ज ले लीजिए, कितना किए हैं? 500 रुपये किए। इसकी एंट्री मैंने कर ली है। अब एक एंट्री बची हुई जिसका नाम है सेल्स एंट्री। ये सेल्स एंट्री कहाँ पे होगी? F8 में। जैसे F8 करेंगे, जस्ट लाइक ऑपोजिट ऑफ परचेज एंट्री, जिस तरह का परचेज एंट्री हुआ था उसी तरह का सेल्स एंट्री भी होगा। तो हम लोग रेफरेंस नंबर छोड़ देंगे, पार्टी अकाउंट नाम, कैश, यहां से हम लोग इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। यहां कुछ देना नहीं है। जस्ट लाइक ऑफ परचेज एंट्री, यहां से हम लोग क्या करना है? एक्सेप्ट करके आप क्या करो? निकल लो। यहां से आप एक्सेप्ट करके एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्या करना है? सेल लेजर। क्या करना है? सेल लेजर। सेल्स लेजर में क्या किए थे? सेल्स बाइक किए थे। तो वहां से बाइक को सेलेक्ट करो। पहला रो में कुछ नहीं देना है, सेकेंड रो में सेल्स बाइक जो लेजर में वो देना है। और यहाँ पे अमाउंट कितने में किए? अमाउंट कितने बेचे में? कितने में बेचे आप बाइक? 95,000 में। 95,000 में। जब आप इसकी एंट्री कर देते हैं तो एंट्री करने के बाद ये आपकी सारी वाउचर्स कंप्लीट हो गई। क्या हो गई? सारी वाउचर्स कंप्लीट होगी।
अब इसको हम देखेंगे कहाँ पे, एस्केप करके हमको कहाँ पे आना है, गेटवे ऑफ टेली में, जिसको बोलते हैं मेन स्क्रीन। यहाँ से हमको क्या देखना है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस देखना है। तो अब बताओ परचेज कितने का किए थे, 75,000 का। सेल्स कितने के किए, 95,000 का। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना था, 500, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट मिलता कितना हुआ, 19,500, यानी कि 90,500 इन ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट कितनी है, 19,500, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसमें नहीं है। अब यहाँ से स्केप करके फिर हम लोग गेटवे ऑफ टेली मेन स्क्रीन में आना है। उसके बाद यहाँ से आपको क्या देखना है, बैलेंस शीट देखना है। बैलेंस शीट में क्या बोला था, बिजनेस मैंने स्टार्ट कितने में किया, 1,00,000 देख रहा है, 1,00,000। फिक्स एसेट हमारी कितनी थी, 10,000 रुपया। और हमारा करेंट एसेट्स, जो करेंट एसेट्स होता है कैश इन हैंड कितना है, 1,09,500, 1,09,500 रुपीज क्या है हमारा कैश इन हैंड है। यानी कि हमारा तब कितना हुआ, हमारा नेट प्रॉफिट 19,500 है। यह हमारा क्या है, करेंट ओपनिंग बैलेंस भी है, एक तरह का करेंट पीरियड में ओपनिंग बैलेंस भी हमारा कितना है, 19,500। मैंने 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट किया जिसमें हमारा प्रॉफिट हुआ 19,500, जिसमें से 10,000 हमारा फिक्स एसेट्स भी है, यानी कि 9,500 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट है, राइट। ये सारी एंट्री जो होगी वो आप लोग को करना है सिस्टम के अंदर नेक्स्ट क्लास। अगर आपको कोई तरह का कंफ्यूजन होता है तो हमारे यूट्यूब चैनल सांसर कंप्यूटर क्लासेस देख सकते हैं, या तो फेसबुक में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर हमारी क्लासेस अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं, खुश रहे आपका परिवार, दुआ में याद रखिए, आपका सांसर, जय हिंद जय भारत।